हेलो सुब्रा जी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं नीरू हम बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा बहुत गंदे आदमी हो। तुमने पति को आदमी बोल रही है, ऐसे ऐसे बंद कर ले रे सारी आवाज तो वही ले जा। नीरू कह रही है, कह रही मैं तो कह रहे नीरू देख, नीरू अपने पति को तो कितने सम्मान से बोलती होगी। मैंने कहा हाँ, पर नीरू बताइए तो नीरू। कह रही है मैं तो अपने पति का नाम लेती हूँ। कैसे करूँ काम बताओ, बाबा ऐसे गिर रहा है। इसका इल्जाम भी तो मेरे पे लगाने वाली, मुझे थोड़ी देर में लग रहा है। नहीं, आप नहीं बोला था ऐसे काम कर ले। मैंने काम मेरे पति काम काम हाँ। कि मुझे एक चश्मा नहीं दिला सकता। जिंदगी रही तो तेनु बंगले दवा दूं यार, तेरा बेरोजगार गोरी। मेरे मुंह पे गाना चढ़ा भी हुआ पता तेरे को, क्योंकि मुझे वो है ना बेरोजगार वाली फीलिंग आती रही जब भी मैं तेरे साथ आता हूँ ना। मुझे फीलिंग आ रही है। नहीं, मुझे तो परमानेंटली बेरोजगारी वाली फीलिंग आती रही जब भी मैं तेरे साथ जाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। क्यों? अरे पता नहीं मुझे क्यों, जब भी तू कुछ मांग। नीरू पूरा मजे ले रही है। नीरू हंस रही है। नीरू बीवी कहाँ है रहा, देखिए शक्ल न दिखाएगी। नीरू मैं तो आई नहीं रहा, तुम अपनी अपनी वीडियो बनवाते जा रहे हो यार, हद है यार। सुप्रा भाई, नीरू आज तो मेरी आवाज नहीं आने देगी, जब भी मैं बोलता हूँ ना, जब सुन 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 की आवाज कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ तुम दोनों ने मेरे खिलाफ वो बनाई है क्या, मतलब प्लानिंग कर रखी है तुम दोनों ने कि इसका इसकी आवाज नहीं आने देनी, इसका मुंह नहीं आने देना, ये मेरी शक्ल नहीं आने देना चाहती, वो मेरी आवाज नहीं आने देना चाहती। थैंक यू वेरी मच। चाय 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 अदरक वाली चाय मसालेदार चाय। अरे एक आज से आज के 4-5 साल पहले वो आता था, हेलो गाइस चाय पी लो। हेलो गाइस 2-3 साल पहले पापे खा लो। तो आज मुझे याद आ गया जब तुमने मुझे चाय दी ना, वो वाला हेलो फ्रेंड। ओके पति की सेवा आज तो कुछ भैया सही भी लग रहा है माहौल घर का, ज्यादा सेवा चल रही है, इतनी आदत नहीं है हमें सेवा करवाने की। अच्छी दाढ़ी लग रही, नहीं जंगली की लग रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई लोगों, मुझे नहीं पता आपको मैं रोशनी दे दूँ। दुनिया को मेरी आंखों से देखो, कितना घटिया लगता। घटिया था बताओ, घटिया था इस दुनिया। मैं तो स्टील के ग्लास में चाय पीना पसंद करती हूँ, मेरे को मजा आता है। आप किस में पीना पसंद करते हो, चाय कप में या फिर ग्लास में? रवि जी को चाहिए कप में, वो भी थोड़ा बड़ा मग टाइप कप चाहिए, छोटे में नहीं पीते हो। और मेरे को स्टील के ग्लास में पीना पसंद, इसमें मुझे ना एकदम चाय फील करके पी सकती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे नीरू, देखे नीरू शर्मा गई। तो पता है वुमेंस डे, अरे चॉकलेट लेके कहाँ गायब हो गई भाई, हमें भी दे दे। नीरू की एक बेटी है प्यारी सी, वो चॉकलेट खाएगी। नीरू नाम क्या उसका? दीपिका। दीपिका, ये दीपिका के चॉकलेट है, उसको भी वुमेंस डे। तो एवरी गर्ल एवरी वुमेन सबको, सारी लेडीज को, सारी प्यारी सी लड़कियों को सबको हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी भाई। हाँ, निशान की तरफ से भी, सारे की तरफ से भी। मेरे नायका से अगेन एक पार्सल आ गया है। सुब्रा कत्ल करने के लिए क्या है ये, मतलब ऐसे इसे चाबू खोलने के, इस चाबू से बोले भाई जब ये खोलने का है या मारने का है। वाओ बायो मास्क रूट, ये है बायोटिक का ही एक और हेयर पैक। इसमें क्या है, ये बनाना का हेयर मास्क है, ये स्मूथ हेयर के लिए। इसमें कुछ क्रीमी टेक्सचर रहेगा इसका, और इसका कुछ ड्राई ड्राई सा आई थी, मैं इसको खोल के दिखा दूंगी अभी आपको। कुछ ऑयल्स मंगाए थे और इसके साथ कुछ फ्री प्रोडक्ट भी आए हैं। पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, शैम्पू मंगाए थे, हेयर ऑयल, ये भी बायोटिक का भृंगराज हेयर ऑयल है। ये मैं सुबह सुबह इसीलिए अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आते ही, क्योंकि मुझे इस और मेरा ऑयल हेयर ऑयल ख़त्म हो गया है, शैम्पू भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे जल्दी से अनबॉक्सिंग करनी है। मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी, मुझे हेयर मसाज करनी है, सर में दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैंने कहा खोल लेती हूँ फटाफट। तो ये है ऑनियन ब्लैक सीड शैम्पू। कोई भी हेयर प्रोडक्ट और स्किन प्रोडक्ट के लिए हम कम से कम हमें 3 मंथ के लिए कम से कम हमें उसका लेना चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, कई लोगों ने बताया भी है।
कि 3 महीने तक आप उसको जब तक यूज़ करते तो ही कुछ रिजल्ट अच्छे से निकल के आता है। इन्होंने ये मुझे फ्री दिए हैं, ये है बायोटिक का मॉर्निंग पोशन है बायोटिक का, और ये है बॉडी वॉश। छोटे छोटे से क्यूट सी इन्होंने दिए हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने ट्रैवलिंग के लिए तो उसमें हम अपने बैग में डालूँ और पॉकेट फ्रेंडली है, घूम फिर जा सकते हो आप। इसका ये टेस्टर है आई नो, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसे पॉकेट फ्रेंडली डेवलप करने के लिए ना उन्होंने आपको फ्री दिया था नेक्स्ट टाइम उनको। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी नाइके के प्रोडक्ट की वो भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी। सो प्लीज़ गाइज, मैं चाहती हूँ मुझे कोई स्पॉन्सर करें, अगर आपको लगता है कि मैं आपके प्रोडक्ट की ऐड कराना है तो आई एम हियर। मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नीचे, आप उसको देख करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी शुभ्रा शर्मा 355 पर भी जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सब्जी बनाने रख दी है कुकर में, और घर की सफाई हो चुकी है, नीरू जा चुकी है सफाई करके। लेकिन एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो दोनों आलसी कैसे पड़े हुए हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? है आज कुछ, तुमने छुट्टी है तुम्हारी आज, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए अपने लिए, कोई ये जो बियर्ड है इसको सेट करा लो, और तू भी बाल कटवा ले। क्या ड्रामा चल रहा है तुम दोनों का? आज वुमेन्स डे, तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए? आलसी है दोनों है। अच्छा तूने तो अपना सामान मंगा लिया है, तेरे सर पे बाल नहीं? ए, मुझे नहीं करानी। सरी नहीं। नहीं मुझे नहीं करानी। चल ठीक है, आजा कर। अच्छा आराम से करना है ना। और रिशु तू चाय वाय पी ली तूने? चल ठीक है, तो फिर तू अपना editing. हाँ थोड़ा एडिटिंग का देख ले, फिर उसके बाद में दोनों साथ में चले जाना। तो गाइस आज देखते हैं रवि जी मसाज कैसे कर पाते हैं। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। चलो आ जाओ। यो कौन आ रहा है? ऋषु यो यो मैन कम ऑन, क्या कर रहा है? ओ बबल गम, बबल मिक्सर। तूने ग्लास में क्या डाल दिया? पानी। पानी? तू कोई ट्रिक सिखाने वाला था, बोल रहा था आज सबको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा। अगर आपके पास बबल मिक्सर है तो उसमें थोड़ा सा पानी बच रहता ना, वाह क्या ट्रिक है सार्थक। थोड़ा सा और पानी रहने दे, फिर उड़ेंगे नहीं बबल। देखो सबसे पहले कंघा लेते हैं हाथ में, उसके बाद ऐसे ऐसे करके बालों को सीधा करो, थोड़ा पटपट करो। क्या हुआ? अरे तुम ऑयलिंग कर दो यार। तो क्या है मतलब, एक तो मैं तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से सिखा रहा हूं। तुम्हारा प्रोफेशनल तरीका कैसे करना है? मांग ऐसे। हां ऐसे ऐसे पक ऐसे। हमें कोई सा फील्ड छोड़ना है नहीं छोड़ना है, हर फील्ड में प्रोफेशनल हो रहे हो, कभी ऑफिस में, कभी क्रिकेट में, कभी एडिटिंग में, कभी जिमिंग में। एक साल से काम करवाई जा रही है, अब तो मालिश भी मतलब आप तो हेड मसाज भी चालू करवा दी, फिर भी कुछ नहीं मिलना जलना, तो कोई नहीं। क्या पैसा पैसा क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तो मरता है। विमेंस डे पे थोड़ा स्पेशल फील हो रहा है तो परफेक्ट, ऐसे होना चाहिए रिलैक्स वाला विमेंस डे। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby. Up with us. Counting चल रही है, मैं तो इंजीनियर के हिसाब से काउंट करता हूँ। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। हक्का बक्का नहीं मिलेगा धक्का। सक्षम, मजा आ रहा है? हाँ। सार तक को नहीं आ रहा? ओ सार तक क्यों भाई? ओ बेटे। आप लोगों ने ना व्लॉग में देखा होगा, हमेशा ये बड़ी ना इधर उधर की बातें जोक वोक मारते रहते हैं। आज देखो रवि जी गुस्सा होते कैसे लग बैठ के। नहीं नहीं ये हैप्पी वुमेन्स डे कुछ नहीं है, ये आपने मुझे दुखी किया है भाई।
मुद्दे पे ही आदमी को चुप रहना चाहिए, तो चुप आप चुप हो, ये चुप है। हम सेलिब्रेट करने आए हैं आज बाहर, साथ में हम लोग लंच करने का सोच रहे और हमने खाना ऑर्डर कर दिया। वुमेंस डे पे मेंस आउट हो गए, पीछे हो ना, तो आप भी गुस्से हो। मैं अपने डोले दिखा रहा था ना, अच्छा आ रहा था, देखिए पीछे हो, पीछे हो। तो हम लोग आए रजवाड़ा फूड कोर्ट, और बहुत यम्मी खाना है, बहुत अच्छे सर्विसेज हैं यहाँ पे। अभी मैंने नूडल्स खाए, उसके बाद मैं फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ। देखो ये दबा के चल रही थी, मेरे ऑफ लिया। हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ऑफ क्या, मैं तो मतलब हफ्ते भर की छुट्टी भी ले सकता हूँ मैडम के लिए। रवि जी खाना सर्व कर रहे हैं वुमेन्स डे के दिन, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे तो हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हैप्पी वुमेन्स डे गर्ल्स एंड वुमेन्स। शूटिंग की तैयारी हो रही है भाई। क्या हो गया? चाय ले लो, ले लो चाय। ओ भाई साहब, अभी तो चाय भी ले आया, ये क्या भेलपुरी टाइप से? वाह यह लड़के, यह लड़की, सब आज का डांस भाई साहब बहुत ही मेहनत से बनाया लड़की ने। ध्यान से देख लूंगा, बहुत सारे कमेंट करना, मेरी गेटअप कैसा लग रहा है, मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा डांस कैसा लगा, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे लगे।